पंथक आगुआं वल्लों 3 नवंबर नूं रोस वजो मनाउण दे दित्ते प्रोग्राम तहत पंजाब च वख वख थावां ते सड़क दे किनारे खड़ के संगत ने अपने हत्थां विच कालियां झंडियां फड़ के रोस जाहर कीता। बैबर कला गोलीकांड च मारे गए 2 सिख नौजवानों के भोग मौके शांतमई रोस प्रदर्शन का ऐलान किया गया सी। अमृतसर, गुरदासपुर, जलंधर समेत सूबे के सारे शहरों से सिख संगतों वालों रोस प्रदर्शन किया गया। अमृतसर च श्रोमणी अकाली दल के सबका प्रधान उपकार सिंह संधु की अगवाई च किए गए इस प्रदर्शन विच वड्डी गिनती च शहर वासियों ने हिस्सा लिया। कोटकपुरा च पुलिस वालों धरने दौरान किए गए लाठीचार्ज और गोलीबारी की घटना तो बाद सिख जथेबंदियों वालों इस दिन पूरे पंजाब च शांतमई रोस प्रदर्शन करने का ऐलान किया। इस दे चलदियां वड्डी गिनती च सिख कालिया दस्तारा बन और कालियां झंडिया लैके इस प्रदर्शन च शामिल होए। प्रदर्शन च शामिल लोगों ने हत्थां च फड़ियां तख्तियां राही लोगों नूं संदेश दिता कि सरकार वल्लों उन्हां नूं इंसाफ नहीं दिता गया अते सिख इंसाफ ना मिलण तक अपना संघर्ष जारी रखणगे। सरकार खिलाफ़ किए गए इस रोस प्रदर्शन तो इलावा सिखां ने जथेदारां नूं हटाउण दी भी मंग की। असीं बिल्कुल पंथक एजेंडे ते अज वाला प्रोग्राम कर रहे हैं। जिस तरीके नाल गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ ते हमला होया, राजसी प्रभाव दे विच उन्हों वरत्या गया, वरत के ते सिख भावनावां नूं ठेस पहुँचाई गई आ, अपने मतलब लई वरत्या गया, उस दे रोस दे विचों सारे एकत्र हो के अपना रोस प्रगट कर रहे। नहीं, वह हर एक दी आपो अपनी जमीर दी गल आ, प्यो की कोई पग लाउण लिया, चार भरा ने, किसी नूं दर्द वध हुंदा, किसी नूं घट हुंदा, कोई खलोता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता भी मेरे प्यो की पग लत रही है तो मैं गांह होकर बचावां जां उहदे नाल सदावां। कई किसी की जमीर मरी हुंदी आ, उह नहीं कोई गल करता, इह तो आपो अपनी जमीर दा सौदा। नहीं, किसी कार्रवाई तो संतुष्ट नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी किस्म की। जे कुछ भी फैसल वापस होया तो इस करके नहीं होया कि सरकार ने कोई समझ लिया उस गल नूं, उह जनता दे रोस, पब्लिक दे रोस दे दबाव दे विच कीता गया। अज जिहड़ी अज तक की जिहड़ी कार्रवाई है, ये सरकार ने आपे ही दस दिता है कि वो उन्होंने ठीक कारगुजारी नहीं सी कीती। एक बने तो सरकार कहती है कि साढ़े को स्टेट मशीनरी बड़ी जिहड़ी है वो जबरदस्त है, हाई कोर्ट च गल्लां लिख के दिंदी है ड्रग केस दे विच ते दूजे केस दे विच। दूजे बने अज ही सरकार अपनी ही नाकामयाबी आप ही प्रगट करती है, पहले मुंडे फड़ लेने, फिर एविडेंस की घाट करके उन्होंने छड़ देना, केस नाल CBI नूं दे देना। इहदा मतलब है कि सरकार नूं आप ही नहीं समझ हैगी कि वह कर की रही है। इहदा मतलब सरकार मसले नूं मुकाना नहीं चाहती, वह हुण सिर्फ अपने कोलों ला के कि यह लड़ाई सरकार नाल पंजाब सरकार नाल हट के ते CBI नाल शुरू कर देण। देखो सारे नाल पहली गल तो हैगी है कि इस सारे केस दे विच सरकार अपनी नीयत साफ होण दा क्लीयर करे, ठीक है। जे CBI नूं केस गए ने तो फिर सारे ही CBI नूं केस जाण, क्योंकि सरकार अज ये गल साफ है कि वह श्रोमणी कमेटी नूं भी कंट्रोल कर रही है ते ओ अकाल तख्त साहब नूं भी कंट्रोल कर रही है। ते जेड़ी बेअदबी अकाल तख्त ते होई है गुरु पंथ दी, सरसे वाले नूं माफ़ कर देना, सरसे वाले नूं वापस लै लेना, उहदे बारे हाले तक कोई फैसला स्पष्ट रूप दे विच उह बेअदबी सरकार ने करवाई कि जथेदारां ने आपे कर दित्ती। सरकार ने अपनी गल नूं क्लीयर नहीं किया, जे जथेदारां ने कीती ते उहनां नूं उतारिया नहीं गया अज तक। यह सारिया गल्लां भी हाले तक नीयत साफ वाली गल्लां नहीं हैगियां। इस करके जिनी देर तक ये सारिया गल्लां नहीं सामने आंदियां, ये जिहड़े केस सीगे ना सिर्फ पुलिस नाल लड़ाई की गल या फलानी, ये तो शॉर्ट टर्म गल्लां ने। लोंग टर्म गल तो है कि गुरु पंथ की बेदबी अकाल तख्त साहब के फैसले अगों किदां होणगे। भी नहीं कि अज सर ज्ञानी गुरबचन सिंह उतार देण ते नवां जथेदार जिहड़ा फिर श्रोमणी कमेटी लाएगी फिर उदां ही फैसले होणगे, फिर इकबाल सिंह आके उदां ही बैठेगा। सानू हुण चीज़ें मंजूर नहीं ने, फैसले लैण दे तरीके भी बदलने पैणगे। फैसले किस तरह होने ने कौम दे, उहदा ढंग तरीका की होएगा, जथेदार लगेगा किदां, लाया किदां जाएगा, वह भी सारे नियम जिहड़े ने पंथ नूं भरोसे च लैके, श्रोमणी कमेटी नहीं पंथक विद्वाना राही पंथ नूं भरोसे च लैके जथेबंदियां दे नुमाइंदे लैके वह सारी नियमावली जिहड़ी तय होनी चाहिए। न्यूज़ डेस्क तो डॉक्टर रजिंदर सिंह की रिपोर्ट, पंजाब टुडे।